हेलो स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मोशन चैप्टर नंबर 8 हम सॉल्व कर रहे थे। जो बच्चे चैनल पे नया है, जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, पार्ट 1 से चीज़ें आपको मिल जाएंगी। कमेंट सेक्शन भी आप चेक कर सकते हो, वहाँ पर भी मैंने लिंक को कमेंट करके पिन कर दिया, नीचे आके चेक करिए कॉमेंट में। ओके, तो पहले क्या करना है, पहले आपको मोशन चैप्टर पढ़ना है। अगर आपने कहीं से पढ़ा है तभी आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लगाइए, बिकॉज इसमें थोड़े से क्वालिटी क्वेश्चंस होते हैं, तो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। और अगर अभी तक बच्चों मोशन चैप्टर आपको नहीं समझ में आया तो जाइए नीचे मैंने मोशन चैप्टर का भी लिंक दे रखा है। तो पहले आपको चैप्टर पढ़ना है, फिर आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पढ़ना है। अगर आपने चैप्टर पढ़ रखा है तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के लिंक पर क्लिक करिए, पार्ट 1 से चीज़ें आ जाएंगी। जो बच्चे देखते चले आ रहे थे उनको तो पता ही है कि इस वीडियो में हम लेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 से आइए स्टार्ट करते हैं। तो कहता है क्वेश्चन नंबर 19 में, ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट एट अ हाइट ऑफ 150 मीटर्स, साइमल्टेनियसली अनदर ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट एट अ हाइट ऑफ 100 मीटर। ओके, तो अगर आप ध्यान से जरा चेक करें यहाँ पे, तो देखिए जरा, सपोज ये ग्राउंड है, ठीक है ना, ये ग्राउंड है। ओके, और दो ऑब्जेक्ट्स हैं आपके पास जो फ्री फॉल कराए जा रहे हैं। फ्री फॉल का मतलब ये देखिए, ऐसे ऐसे छोड़ दिया जाता है, ठीक। तो इनिशियल वेलोसिटी इनकी कितनी होगी, जीरो, और इस पर एक्सेलरेशन कौन सा लग रहा होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब देखिए, एक जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है वो 150 मीटर से ड्रॉप किया गया है, तो देखते हैं 150 मीटर्स, अगर लेट अस अज्यूम मैं यहाँ कहीं मान लेता हूँ, ये देखिए, ठीक है, ये हमने इसके तीन सेक्शन किए हैं, ध्यान से देखिए जरा, 1, 2, 3, ताकि आप इमेजिन कर सको, क्या इमेजिन कर सको आप, 50, 50 और 50, तो कितना हो जाएगा टोटल 150। तो पहला ऑब्जेक्ट आपका यहां से ड्रॉप किया गया है, ठीक है, और ये टोटल कितना है 150, और दूसरा ऑब्जेक्ट कहां से ड्रॉप किया गया है, 100 से। तो दूसरा ऑब्जेक्ट का जो हाइट होगा आपका वो कुछ ये देखिए, दूसरा ऑब्जेक्ट यहां से, तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट आपका पॉइंट ए से ड्रॉप किया गया और सेकेंड ऑब्जेक्ट आपका पॉइंट बी से ड्रॉप किया गया, बात समझ में आई, ठीक है। अच्छा, अब पता है पहले क्वेश्चन को आप समझो, ए से लेके इस पॉइंट को सपोज हमने ओ बोला और इस पॉइंट को हमने ओ डैश बोला, ठीक है, तो ए ओ कितना है आपका, ए ओ कितना है 150 मीटर, और बी ओ डैश कितना है आपका 100 मीटर, करेक्ट। देखिए क्वेश्चन को आप समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस इन देयर हाइट्स आफ्टर 2 सेकेंड इफ बोथ द ऑब्जेक्ट्स ड्रॉप विद सेम एक्सेलेरेशन, ठीक है, पहले यहीं तक करो अभी, बस पहले अभी यहीं तक समझो क्वेश्चन को, ठीक। क्या कह रहा है, कह रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस इन देयर हाइट आफ्टर 2 सेकेंड इफ बोथ द ऑब्जेक्ट ड्रॉप विद सेम एक्सेलेरेशन। देखो एक बार बताएं, बोथ द ऑब्जेक्ट ड्रॉप विद सेम एक्सेलेरेशन तो ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली हो जाएगा, पता है क्यों, ध्यान से चेक करिए, मेरे हाथ को देखिएगा, ठीक है, तो ये देखिए, ये एक ऑब्जेक्ट है और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये राइट हैंड में जो है मेरे राइट हैंड में, आपको लेफ्ट में दिख रहा होगा, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट कितनी हाइट पे, 150 पे, ये कितने पे, ग्राउंड से 100 पे, ठीक। तो अब हम इसको ड्रॉप करने जा रहे हैं, देखिए, ठीक, इस पे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम किया, इसकी इनिशियल वेलोसिटी दोनों की कितनी थी, जीरो, फिर इनकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है, किस हिसाब से बढ़ेगी, 9.8 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, यानी कि हर एक सेकंड में इन दोनों की वेलोसिटी, चाहे ऑब्जेक्ट फर्स्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट सेकंड हो, मास कुछ भी हो, बट दोनों की जो वेलोसिटी होगी वो हर एक सेकंड में कितनी बढ़ेगी, 9.8 मीटर पर सेकंड के हिसाब से बढ़ेगी, ठीक है ना। तो वो हमसे क्या कह रहे हैं, वो हमसे ये कह रहे हैं कि 2 सेकंड के बाद, 2 सेकंड के बाद, पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस इन देयर हाइट्स आफ्टर 2 सेकंड्स, मतलब 2 सेकंड के बाद दोनों की हाइट में क्या डिफरेंस होगा। चलिए देखिए जरा, कुछ इस तरीके की स्थिति होगी, देखो अब चलाना शुरू कर रहे हैं, अब मैं ऐसे अगर छोड़ दूंगा तो नीचे चलाएगा, तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा, तो मैं अपने हाथ से ही चला रहा हूं, 1, 2, 3 स्टार्ट, सपोज ये ऐसे चल रहा है, एवा बताओ ध्यान से चेक करना, ध्यान से चेक करो, मैंने क्या बताया, मैंने बोला इसका मास चाहे कुछ भी हो, इसका मास चाहे कुछ भी हो, ठीक, दोनों की इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो, ठीक है ना, और हर सेकंड दोनों की वेलोसिटी कितनी बढ़ेगी, 9.8 मीटर पर सेकंड। तो देखो जरा, क्या ऐसा हो जाएगा कि इसकी वेलोसिटी तेज हो जाएगी और इसकी धीरे हो जाएगी, ऐसा तो नहीं है, अगर एक सेकंड गुजरेगा तो जो इसकी वेलोसिटी वही इसकी रहेगी, अगला एक सेकंड होगा तो जो इसकी वेलोसिटी वही इसकी वेलोसिटी होगी,
तो जब दोनों ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ही सेम रहेगी, बात समझ रहे हो कि नहीं, तो बताओ आपको कुछ ऐसा नहीं दिखाई पड़ेगा। देखना जरा इस मोशन को, देखो जरा ऐसा ही तो दिखाई पड़ेगा ना। हाँ, ना ये इसको पीछे छोड़ पाएगा, ऐसा सुने ये तेज हो जाएगा, सारे स्पीड या वेलोसिटी इसकी ना इससे तेज हो पा रही और ना इसकी इससे तेज हो पा रही, तो ये भी नहीं कि बहुत फास्ट निकल जाएगा और इसको पीछे छोड़ देगा, नहीं। अभी देखिए इनिशियल कंडीशन देखिए, बताओ दोनों में गैप कितना है, बताओ अभी। हाँ, यहां से डायग्राम देख के बताओ दोनों में गैप कितना है, मतलब दोनों की हाइट में डिफरेंस कितना है, 50 मीटर का। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देखिए कैसे भाई, ग्राउंड से जो हमारा पहला ऑब्जेक्ट है वो कितने पे, 150 पे, और ग्राउंड से दूसरा ऑब्जेक्ट हमारा कितने पे, 100 पे। तो दोनों के बीच ये गैप कितना है, हाइट का डिफरेंस कितना है, 50 मीटर का है। आप खास बात देखिए जरा कि अगर ये जब ऐसे जा रहे हैं, तो जब ये ऐसे जा रहे हैं, ये भी जितनी वेलोसिटी जा रहा उतनी वेलोसिटी ये भी, खास बात देख रहे हो, हर पल दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का मेंटेन रहता है, 50 मीटर का ही। प्रैक्टिकल मैंने आपको करके दिखा दिया, फील कर गए आप। तो समय चाहे जितना गुजर जाए, दोनों के बीच की जो दोनों के हाइट का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा कितना मेंटेन रहेगा, उतना ही रहेगा जितना पहले था शुरुआत में। बात समझ में आई? तो यहाँ से आप एक कॉन्सेप्ट सीख सकते हो क्या, कि दो अलग अलग मास की बॉडी है, अगर दोनों को फ्री फॉल कराया जाए और दोनों का एक्सलेशन सेम हो, एक्सलेशन तो सेम होगा ही ऑब्वियसली भाई, जब फ्री फॉल हो रहा है तो दोनों पे एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम करेगा, तो इसलिए उन्होंने बोला है कि दोनों का सेम एक्सलेशन है, हमें भी पता है दोनों का सेम एक्सलेशन है। तो दो बॉडी के चाहे मास अलग अलग हों, अगर उनको किसी पॉइंट ए और बी से अगर फ्री फॉल कराया जाए, यानी कि ड्रॉप किया जाए इस तरीके से कि उनकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो, जीरो हो, तो शुरुआत में जब आपने इनको हाइट पे रखा था तो इनकी हाइट में जो डिफरेंस था, कुछ समय के बाद भी इनकी हाइट में वही डिफरेंस रहता है, यानी कि इन दोनों के ऑब्जेक्ट की हाइट का जो डिफरेंस है वो समय के हिसाब से चेंज नहीं होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है ना, तो ये हाँ बताओ, मास से इफेक्ट नहीं पड़ेगा ये, अभी आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे जब ग्रेविटेशन पढ़ाया जाएगा, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन वाला चैप्टर, तो नहीं पड़ेगा। आप लोग ऐसा लगता होगा आपको कि मास से इफेक्ट पड़ता है, नहीं नहीं मास से इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसकी आप टेंशन ना लीजिए, ठीक है ना। तो देखते हैं जरा, तो आपने फील कर लिया क्या कि समय के गुजरने के साथ साथ इनकी हाइट का डिफरेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है ना। तो देखिए यही जो इन्होंने यहां पे, अभी मैं सॉल्व करके सारा दिखाऊंगा, यहां पे जो क्वेश्चन पूछा है, हाउ डज द डिफरेंस इन हाइट वेरी विद टाइम, समय के साथ साथ हाइट में जो डिफरेंस है क्या वो वेरी होता है, ये पूछ रहे हैं, तो जवाब है नहीं। अरे ये जो क्वेश्चन पूछा है, हाउ डज द डिफरेंस इन हाइट वेरी विद टाइम, समय के गुजरने के साथ साथ क्या डिफरेंस इन हाइट वेरी करता है, और करता है तो कैसे करता है, जब हाउ पूछा ना उसने कैसे करता है, जब करता ही नहीं है तो क्या बताएं कैसे करता है। इसलिए लास्ट में हम आंसर क्या लिखेंगे, द डिफरेंस इन हाइट डज नॉट वेरी विद टाइम, ये हम लिख देंगे। लेकिन आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इनिशियल डिफरेंस इन हाइट्स, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या बोला, इनिशियल डिफरेंस इन हाइट्स, मतलब आप समझ लो शुरुआत में दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच का डिफरेंस कितना है, बताओ ये कितना हो गया 150 और ये कितना हो गया 100, तो हो जाएगा हमारे पास 150 माइनस 100, यानी कि कितना हो गया 50 मीटर्स, यहाँ मीटर लिख लो, 150 मीटर माइनस 100 मीटर, ठीक। अब देखिए ये हमने ऐसे छोड़ा, छोड़ देंगे तो नीचे गिर जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा, जब छोड़ा तो ये ऐसे करके जा रहे हैं, एक सेकेंड गुजरा, दो सेकेंड गुजरा, तो दो सेकेंड के बाद आओ जरा हम चेक करते हैं कि पहला ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस चल चुका होगा, ठीक है ना। ये टोटल कितना है 150 मीटर, कहां से कहां तक, यहां ए से लेकर ओ तक, और दूसरा ऑब्जेक्ट बी से लेकर ओ तक कितना है 100 मीटर है। तो हम आइए देखते हैं कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो है डिस्टेंस ट्रेवल बाय फर्स्ट ऑब्जेक्ट, तो हमने निकाला क्या, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फर्स्ट ऑब्जेक्ट इन टू सेकेंड, इन टू सेकेंड, ठीक है। दो सेकेंड में फर्स्ट ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, फॉर्मूला क्या होता है बताइए, हाँ डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या लगाओगे आप, यहाँ पर कहाँ पे लिखें, यहाँ लिख दें, दिखाई पड़ रहा है, एस इज इक्वल्स टू वॉट, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, करेक्ट भाई, डिस्टेंस का ये तो फॉर्मूला होता है ना। अब यू कितना है बताओ, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, जीरो, अरे फ्री फॉल कर रहा है तो यू की वैल्यू कितनी होगी, जीरो, ठीक है। तो इसको हमने कितना लग दिया, जीरो इंटू टी, ये खत्म हो गया, क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पर, हाफ इंटू ए की जगह क्या रखोगे, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी किससे दिखाते हैं, जी से, तो यहाँ क्या रख देंगे, जी इंटू टाइम, कितने टाइम के लिए चेक कर रहे हो, टू सेकेंड के लिए, तो टी की जगह क्या रखोगे, टू, टी का स्क्वायर है तो टू का स्क्वायर, और टू का स्क्वायर क्या होता है बोलो,
4 होता है, तो 2 का स्क्वायर की जगह हमने यहाँ पे क्या कर दिया, 4 कर दिया। ठीक है, अब देखो 2 1 2 2 2 4, हाँ भाई क्या बचा, 2 into g बचा, 2 into g बचा, g की वैल्यू क्या होती है 9.8, रखने की जरूरत नहीं है, हम g के टर्म्स में ही निकाल लेंगे। कैसे, हाँ 2 into 9.8 कर लो ना अपने मन में, जो भी आ रहा है उतना डिस्टेंस ये चल चुका है, कितने सेकंड में, 2 सेकंड में, यानी कि समझिए जरा, ये a से कितना नीचे आ चुका है, 2g नीचे आ चुका है, तो ग्राउंड से ये कितना ऊपर है, 150 माइनस 2g, नहीं समझ में ये बात, अरे ऐसे ड्रॉप किया गया था ना, कितना डिस्टेंस चल गया है, 2g। अब 2g कहाँ आ रहा है ये हमें नहीं पता, चाहे जहाँ भी आ रहा हो हमसे कोई मतलब, अगर हम g की वैल्यू 10 ले लें तो हमें समझ में आ जाएगा, जी 10 भी तो होता है ना, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 भी होता है, ये हम आप नेक्स्ट चैप्टर में बच्चों पढ़ोगे कि अब 9.8 कब लेते हैं, 10 कब लेते हैं। ठीक है, तो जी की वैल्यू मोटी मोटी अगर हम एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 ले लें तो 2 10 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, यानी कि ये 20 नीचे आ चुका, तो जमीन से कितना ऊपर होगा ये, 150 माइनस 20, यानी कि कितना हो जाएगा, 130 मीटर। ठीक, तो अब हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि आफ्टर 2 सेकेंड हाइट एट विच द फर्स्ट ऑब्जेक्ट विल बी, तो आफ्टर 2 seconds the height at which the first object will be, the first, यहाँ थोड़ी जगह कम है, एडजस्ट करिएगा, ऑब्जेक्ट विल बी, हाँ भाई फर्स्ट ऑब्जेक्ट कितनी हाइट पे होगा बताओ, हाइट का मतलब ग्राउंड से आपको चेक करना है कितनी हाइट पे होगा बताओ, 150 माइनस 2g, सही है ना, 150 क्योंकि 2g ऊपर से नीचे आ गया है ना। ठीक है, तो 150 माइनस 2g मीटर पे होगा ये मीटर। ठीक, अब इसी तरीके से आप निकाल लीजिए किसके लिए, ये निकाला आपने किसके लिए, फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए, तो यहां एक लाइन लगा देते हैं छोटी सी। अब इसी तरीके से हम निकालेंगे क्या बताइए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सेकेंड ऑब्जेक्ट, सेकेंड ऑब्जेक्ट कितनी देर में, इन 2 seconds, 2 seconds में भी, 2 seconds में जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसने भी कितनी डिस्टेंस चली, सेम इसी तरीके से आएगा कि नहीं आएगा बताइए, क्यों, क्योंकि दूसरे ऑब्जेक्ट का भी यू कितना हो जाएगा, 0, तो ये पोर्शन खत्म हो जाएगा और क्या हो जाएगा, 1/2 into g, और टाइम कितना है, 2 है, 2 का स्क्वायर 4, कटवट के यही आएगा सिंपली कितना, 2g मीटर। ठीक है, 2g मीटर, यूनिट भी लिख दीजिएगा मीटर। अब जो दूसरा ऑब्जेक्ट होगा वो 2 सेकेंड के बाद ये जमीन से कितनी हाइट पे होगा, ये हम कैसे निकालेंगे, 100 में से क्या माइनस कर देंगे 2g, क्योंकि भाई ऊपर से नीचे कितना आ गया 2g, तो अब वो जमीन से कितना ऊपर है, 100 माइनस 2g। ठीक है, तो हमने क्या लिखा कि आफ्टर 2 सेकेंड्स द हाइट एट विच द सेकेंड ऑब्जेक्ट विल बी, द सेकेंड ऑब्जेक्ट विल बी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बोलिए, 100 माइनस 2g, करेक्ट, ये हो गया। ठीक है, अब आपने देख लिया क्या कि 2 सेकेंड के बाद फर्स्ट ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, इतनी मीटर, और 2 सेकेंड के बाद सेकेंड ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, इतनी मीटर, 100 माइनस 2g। अब आपको 2 सेकेंड के बाद दोनों की हाइट पता चल गई ना ग्राउंड से, पहले की भी पता चल गई और दूसरे की भी, अब दोनों का डिफरेंस नहीं निकाल सकते, और यही तो पूछा था उसने क्वेश्चन में, क्या पूछा था उसने, पढ़िए, व्हाट इज द डिफरेंस इन देयर हाइट्स आफ्टर 2 सेकेंड्स। तो पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने आफ्टर 2 सेकेंड्स मैंने दोनों की हाइट निकाल ली, अब हाइट का क्या निकालूंगा, डिफरेंस निकालूंगा। ठीक है, तो नाउ डिफरेंस इन देयर हाइट्स आफ्टर 2 सेकेंड्स कैसे निकालेंगे डिफरेंस, बड़े में से छोटा माइनस करते हैं कि छोटे में से बड़ा, बड़े में से छोटा, आपको बताओ इन दोनों में से बड़ा कौन दिखाई पड़ रहा है, हाँ ये, क्यों, क्योंकि देखो -2g -2g तो दोनों में ये तो कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट सब्स्ट्रैक्शन हो रहा है, तो आगे वाला नंबर जिसमें बड़ा होगा उसी का रिजल्ट बड़ा आएगा। जैसे कि हमने आपको बोला, थोड़ी देर के लिए आप फील करिए, हमने बोला कि भाई 10 - 2 बड़ा है कि 10 - 4 बड़ा है, सॉरी हमने बोला आपको कि 10 - 2 बड़ा है कि 20 - 2 बड़ा है, 20 - 2 बड़ा है, कैसे पहचाना आपने, पीछे वाला नंबर तो कॉमन हो गया और आगे जिसका नंबर बड़ा होगा वही नंबर बड़ा होगा, तो इन दोनों में पीछे 2g क्या हो गया, कॉमन हो गया, उसको छोड़ो, तो जिसमें आगे बड़ा होगा वही नंबर बड़ा होगा, तो ये बड़ा है और ये क्या है, छोटा है। ठीक, तो हमने क्या किया,
फर्स्ट ऑब्जेक्ट की जो हाइट है कितनी, 150 माइनस 2g, इसमें से अब हम माइनस करेंगे किसको, सेकेंड ऑब्जेक्ट की हाइट को, और जब माइनस करिएगा तो सेकेंड ऑब्जेक्ट की हाइट को ब्रैकेट में रखिएगा क्योंकि यहाँ माइनस है। बताओ ये क्या किया, ये क्या है, 2 सेकेंड के बाद फर्स्ट ऑब्जेक्ट की हाइट है, और ये क्या है, 2 सेकेंड के बाद सेकेंड ऑब्जेक्ट की हाइट है। क्या कर रहे हैं, दोनों का डिफरेंस निकाल रहे हैं, बड़े में से छोटे को घटा रहे हैं। आइए सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है। 150 माइनस 2g माइनस प्लस माइनस माइनस 100 हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2g। अब देखो प्लस का 2g माइनस का 2g कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इसीलिए तो मैंने g की वैल्यू नहीं रखी थी क्योंकि वो कैंसिल ही होना है, ठीक है। तो 2g 2g ये आपका कैंसिल हो गया, क्या आ गया बताइए, आपके पास आ गया 150 माइनस कितना 100, ठीक। तो आंसर क्या आ जाएगा, 150 माइनस 100 क्या हो जाएगा, 50 मीटर्स। तो देखा तुमने क्या, 2 सेकंड के बाद भी दोनों की हाइट का डिफरेंस कितना है, 50 मीटर है। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। तो ये चीज़ है, ओके। तो जो इन्होंने बाद में हमसे, एक तो हमारा आंसर ये आ गया कि आफ्टर 2 सेकंड्स देयर डिफरेंस देयर हाइट इज व्हाट, 50 मीटर, ओके। और उसके बाद ये वाला जो क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि हाउ डज द डिफरेंस इन हाइट्स वेरी विद टाइम, इसका आंसर ये हमने लिखा है, क्या, दस डिफरेंस इन हाइट डज नॉट वेरी विद टाइम। कोई डाउट है कि नहीं, देखो बात समझो ना, कि अगर मान लो यहाँ टी का टर्म आ जाता, टी का टर्म ही नहीं आया यहाँ कोई, मतलब वो सब तो चलो इक्वेशन होती है उसको छोड़ो आप सिंपली, तो आपने फील किया, ठीक है, कोई डाउट है, ठीक। अच्छा अब मान लीजिए हम आपसे बोलें कि भाई आफ्टर 3 सेकेंड्स निकालिए, तो बताओ आंसर कैसे आता, आप तो पहचान गए होगे, क्या हो जाता है, 150 माइनस 3g हो जाता है, नहीं 3g नहीं होता, सॉरी 3g नहीं होता यहाँ, क्योंकि यहाँ पे हम कितना रखते हैं, 3 का स्क्वायर, टाइम की जगह हम 3 रखते हैं ना, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाता, ठीक है, और 9/2 कितना हो जाता, 4.5g, तो ये कितना हो जाता, 4.5g, समझ में आ गई ना बात, और ये भी कितना आता, 4.5g। यानी कि मोटी मोटी बात ये है कि दिए गए टाइम इंटरवल में, चाहे 2 सेकेंड दे आपको चाहे 3 सेकेंड दे, पहला ऑब्जेक्ट जितना नीचे आया होगा उतना ही दूसरा भी आया होगा, और साइमल्टेनियसली दोनों को छोड़ा गया था, मतलब एक ही समय पे ऐसे, ठीक। और दोनों की जो स्पीड बढ़ने का तरीका है वो क्या है, सेम स्टाइल में, किस हिसाब से, 9.8 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, क्योंकि दोनों का एक्सेलेरेशन क्या है, सेम है। एक्सेलेरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो दोनों का जब एक्सेलेरेशन सेम है तो दोनों का रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी भी जब सेम है, तो आपको देखने से लगेगा, अगर आप दूर से देखें तो ऐसे चल रहा है, यानी कि दोनों के बीच जो डिस्टेंस है ये हमेशा क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट, ठीक है, ये चेंज नहीं होगी। शुरुआत में दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस इतनी थी, उतनी ही हमेशा रहेगी। बात समझ में आ गई, तो ये इसका आंसर है। तो इन दोनों की हाइट का जो डिफरेंस है वो समय पे डिपेंड नहीं करता है, आप किसी भी समय पे जाके देखिए आपको दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच का डिस्टेंस हमेशा कितना दिखाई पड़ेगा, 50 मीटर्स, ओके। तो दिस इज योर आंसर, कर लीजिए। स्टूडेंट्स लेते हैं लॉन्ग आंसर टाइप में क्वेश्चन नंबर 20। कह रहे हैं ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ट्रेवल्स 20 मीटर इन फर्स्ट 2 सेकेंड्स, ठीक है। तो सपोज ये रेस्ट से चला है, रेस्ट वाला पॉइंट आपका मैं किससे दिखा दूं, ओ से दिखा दूं, ठीक है। तो ये जो पॉइंट ओ है ये आपका कौन सा पॉइंट है, रेस्ट पॉइंट है, ठीक है। तो रेस्ट से जब कोई ऑब्जेक्ट चलता है तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हम अज्यूम करते हैं, 0, ठीक है। अच्छा पहले देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ट्रेवल्स 20 मीटर इन फर्स्ट 20 सेकेंड। तो ध्यान से ना चेक करिए, ये इन फर्स्ट 2 सेकेंड्स, ठीक है। तो ये ओ से लेके ए तक पहुंच जाता है, और O से A तक जब ये पहुंचता है तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है, 20 मीटर्स। तो OA का जो लेंथ है वो कितना है बताइए, 20 मीटर्स है, कोई डाउट है बताइए, ये हो गया आपका 20 मीटर। और ये काम ये कितनी देर में करता है बताइए, इन फर्स्ट 2 सेकेंड्स। जब समय स्टार्ट होता है, समय कहाँ से स्टार्ट हुआ है, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे, 1 सेकेंड निकला 2 सेकेंड निकला तो वो कहाँ पहुँच गया, A पे। हमने अज्यूम किया कि भाई A पे पहुँच गया और O से लेके A तक का डिस्टेंस कितना है, 20 मीटर है, ठीक है। तो O से A तक आने में जो समय लगेगा, मतलब टाइम फ्रॉम O टू A इज इक्वल्स टू व्हाट, 2 सेकेंड्स, इसमें कोई डाउट है, अब आप बताइए इसमें कोई डाउट है, यही तो क्वेश्चन में लिखा है, और क्या लिखा है, पढ़िए। एन ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ऑब्जेक्ट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, रेस्ट से, और ट्रेवल्स 20 मीटर इन फर्स्ट 2 सेकेंड, यही तो डायग्राम बनाया मैंने, 2 सेकेंड में कितना चला गया, 20 मीटर, और जैसे ही 20 मीटर चला गया तो इस पॉइंट का नाम मैंने A रख दिया अपने समझने के लिए, कोई डाउट है, अब आगे पढ़ते हैं। कह रहा है एंड 160 मीटर्स इन नेक्स्ट 4 सेकेंड्स, मतलब अब नेक्स्ट 4 सेकेंड्स में तो यहाँ से वो यहाँ कहीं आ जाएगा A से B पे, ठीक। और कितना चल गया आप वो बताइए, नेक्स्ट 4 सेकेंड्स में कितना चल गया, 160 मीटर्स, यानी कि A से लेके B तक कितना हो जाएगा बताइए, 160
मीटर्स, यही बात है कि नहीं? और ऐसा करने में उसको जो टाइम लगा है वो बताइए कितना टाइम लगा है। ए से बी तक का टाइम 4 सेकेंड्स, यही तो लिखा है। नेक्स्ट 4 सेकेंड में कितना चला जाता है, जैसे वो ए पे पहुंचता है तो नेक्स्ट 4 सेकेंड पे कितना चला जाता है 160 मीटर, यानी कि ए से बी तक, यानी कि 160 मीटर जाने में, नेक्स्ट 160 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा है 4 सेकेंड, कोई डाउट है? चलो बहुत बढ़िया, अब देखते हैं क्या पूछा है इन्होंने हमको, क्या कह रहा है, हमको कह रहा है कि व्हाट वुड बी द वेलोसिटी आफ्टर 7 सेकेंड फ्रॉम द स्टार्ट। ठीक, व्हाट वुड द वेलोसिटी आफ्टर 7 सेकेंड फ्रॉम द स्टार्ट, मतलब जब से उसने स्टार्ट किया है तब से, मतलब जब उसने स्टार्ट किया तब से अगर आप टाइम काउंट करो तो जब 7 सेकेंड हो जाएंगे तो उसकी क्या बता दो, वेलोसिटी बता दो, यही बात है। अच्छा चलो बहुत बढ़िया, अच्छा ध्यान से जरा चेक करिए क्या कि, हाँ ध्यान से चेक करिए कि आपका जो 7 सेकेंड आएगा, ठीक है, लेट मी चेक कि इन्होंने 4 सेकेंड ही बोला है, यस ऑब्वियसली 4 सेकेंड बोला है। हाँ आप थोड़ा सा ध्यान से चेक करिए, यहाँ से यहाँ तक 2 सेकेंड, फिर 3, 4, 5, 6 सेकेंड पे कहाँ होगा, बी पे, अभी भी वो चल रहा होगा, रुका नहीं है, तो ध्यान करें आप कि 7 सेकेंड पे वो कहाँ होगा, बी के कहीं आगे होगा, जब 7 सेकेंड हो जाएंगे तो बी के कहीं आगे होगा, क्यों, क्योंकि ये देखो ना यहाँ से यहाँ तक 2 सेकेंड और फिर 2 के बाद नेक्स्ट 4 सेकेंड ये हो गए तो टोटल कितने सेकेंड हो गए, 6 सेकेंड, तो 7 सेकेंड पे बी के आगे होगा ये, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। ओके चलो बहुत बढ़िया, अब कैसे निकाले, देखो मान लो यहाँ पे बोर्ड में जगह तो नहीं होगी, फिर भी आप मान लो कि वो कहाँ पहुँच गया है, पॉइंट सी पे पहुँच गया, कितनी देर में बताइए 7 सेकेंड में, तो मुझे ओ से लेके सी तक का जो उसका टाइम होगा मैं क्या लिख सकता हूँ, ओ से सी तक का जो टाइम होगा उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 सेकेंड लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, बताइए, हाँ यहाँ से यहाँ तक का समय। चलो बहुत बढ़िया, अब आइए जरा देखते हैं कि हम पॉइंट सी पे वेलोसिटी कैसे निकालें। बच्चे क्या बोलेंगे समझो जरा, पता है क्या बोलेंगे बच्चे, बच्चे बोलेंगे सर एक काम करो, यहाँ से ऑब्जेक्ट चल रहा था तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी ले लो, 0 ले लो, भाई ऑब्वियसली रेस्ट से चल रहा है इनिशियल वेलोसिटी 0 ले लो, और बोलेगा सर पॉइंट सी पे फाइनल वेलोसिटी निकाल लो, हमने कहा ठीक है आइए देखते हैं जरा, बच्चों ने बोला ये वाला फॉर्मूला लगा लो सर, वी इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी लगा लो, हमने कहा ठीक है लगाते हैं, वी क्या है फाइनल वेलोसिटी, कहाँ पे, पॉइंट सी पे, बात समझ में, यू क्या है इनिशियल वेलोसिटी, भाई ओ से चला और कहाँ पहुँच गया सी पे, और टाइम भी दिया हुआ है कितना 7, लेकिन क्या नहीं पता है एक्सेलरेशन, नहीं पता है, तो आपको एक्सेलरेशन एक तो नहीं पता है, और एक बात और बताऊं अगर तुम एक्सेलरेशन पता भी कर लोगे आंसर निकाल लोगे, लेकिन खास बात ध्यान रहे आप ओ से लेके सी तक में, ओ पॉइंट से लेके सी तक पॉइंट में आप वी इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी तभी लगा सकते हैं जब एक्सेलरेशन क्या रहे, कॉन्स्टेंट रहे, यूनिफॉर्म रहे, ठीक है, ये बात आपने फील करी होगी जब हमने क्लास में पढ़ाया है ना, आपको ये गौर करना है कि ओ से सी तक की जो ये यात्रा कर रहा है, जर्नी कर रहा है, इसका एक्सेलरेशन नहीं चेंज होना चाहिए, समझ रहे हो, क्योंकि भाई तुमने तो ओ से लेके सी तक डिस्टेंस के लिए तुम फॉर्मूला लगाने जा रहे हो, तो जब तुम ओ से सी तक का टाइम कितना रख रहे हो यहाँ 7, इनिशियल वेलोसिटी तो तुमने पॉइंट ओ की ली है ना, और पॉइंट ओ पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 0, तो यू भी 0 हो गया, तो तुम्हारा ये फर्ज बनता है चेक करना कि तुमको देखना है पूरी यात्रा में कहीं एक्सेलरेशन तो नहीं चेंज हो रहा है, एक्सेलरेशन अगर चेंज हो जाएगा तब तुम थोड़ी ना पूरी यात्रा के लिए लगा सकते हो, तब तुम कोई और टेक्निक लगाओगे, वो सब हम क्लास 11th में देखेंगे। आइए जरा हम ये चेक करते हैं क्या कि इस पूरी यात्रा में एक्सेलरेशन तो नहीं चेंज होता है कहीं, ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन में हमने क्या किया, एक काम करते हैं सॉल्यूशन में आप अगर ध्यान से चेक करें तो ओ से लेके ए तक क्या हम पॉइंट ए पे वेलोसिटी निकाल सकते हैं, क्योंकि देखिए पॉइंट ए पे अगर हम वेलोसिटी निकाल पाएंगे, समझिए जरा बात को, पॉइंट ए पे अगर हम वेलोसिटी निकाल पाएंगे तो वही वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी होगी कहाँ से कहाँ तक के लिए, ए से बी तक के लिए, ठीक है ना, और हम ये आओ चेक कर लेते हैं कि ओ से ए तक का एक्सेलरेशन कितना है, तो कैसे चेक करेंगे, देखो ओ से ए तक का डिस्टेंस दिया आपको, यानी कि एस ओ ए आपको दिया है कितना है 20 मीटर, ठीक, और टाइम भी दिया है ओ से ए तक का कितना 2 सेकेंड्स, ये दिया है ना, तो हम जो इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने जा रहे हैं अभी वो कहाँ से कहाँ तक लगाने जा रहे हैं, ओ से ए तक, ठीक है, तो आप हेडिंग भी लगा सकते हो कि हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं, कैलकुलेशन फॉर व्हाट, फॉर
पॉइंट ओ टू ए तक के लेकर रहे हैं। हेडिंग लगा दीजिएगा आप, तभी समझ में आएगा बात। डायग्राम बना के हेडिंग लगाएंगे, ठीक। तो फॉर्मूला क्या होता है बताओ, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक। एस कौन सा एस, ओ से लेके ए तक। यू कौन सा यू, ओ से ए तक का यू, मतलब इनिशियल वेलोसिटी ओ से ए वाली जर्नी में कितनी है, जीरो है। तो रखते हैं जरा वैल्यू, एस ओ ए इज इक्वल्स टू, अच्छा हाँ एक चीज़ और ध्यान से चेक करिए, क्या एस ओ ए कितना है मेरा 20 मीटर है। अरे एस क्या होता है डिस्टेंस, ओ से ए तक का डिस्टेंस कितना है, तो इसके नीचे मैं क्या रख दूंगा 20, और ये हो गया तुम्हारा जीरो। क्यों हो गया जीरो, क्योंकि यू क्या है जीरो। अरे ओ पॉइंट पे रेस्ट से चला है ना, तो यू कितना हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो गई। अब बचा क्या आपके पास बताइए, हाफ बचा और ये एक्सेलरेशन बचा, ठीक है। अच्छा एक्सेलरेशन के नीचे मैं ओ ए लिख दे रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, कौन सा एक्सेलरेशन, ओ से ए तक का एक्सेलरेशन, ठीक है, इनटू ध्यान दें टाइम, ओ से ए तक का टाइम। तो ये जो टाइम होगा आपका, ये कौन सा होगा, ओ से ए वाला टाइम। कितना है ओ से ए तक का टाइम, 2 सेकेंड, तो टी का स्क्वायर है, तो क्या रखेंगे यहाँ 2 का स्क्वायर। बात समझ में, सॉल्व करते हैं, 20 इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू एक्सेलरेशन फ्रॉम पॉइंट ओ टू ए, हाँ टी का स्क्वायर क्या होता है, सॉरी 2 का स्क्वायर 4, 2 1 2 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 इधर क्या बच जाएगा बताइए, 20 इज इक्वल्स टू, हाँ भाई 2 1 2 और साथ में क्या बचा 2 इंटू ए, ओ ए, ओ ए मतलब एक्सेलरेशन, ए मतलब एक्सेलरेशन कहाँ से कहाँ तक का, ओ से ए वाली जर्नी का। अब ये 2 डिस्टर्ब कर रहा है, तो डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड, इसको हटाने के लिए हमने 2 से लेफ्ट में भी डिवाइड लगाया और 2 से राइट में भी, ये 2 से 2 कटा, किसी भी नंबर से हम बोथ साइड डिवाइड लगा सकते हैं मैथ्स में, ठीक है। 2 1 और 2 10, तो आपका जो एक्सेलरेशन है वो ओ से ए तक का एक्सेलरेशन क्या है 10, यूनिट क्या लिखेंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये एक्सेलरेशन आ गया। अब आप सोचिए वो राइडर ऐसे करके जा रहा है, या जर्नी वो ऐसे जो भी है बाइक वाइक है जो भी, ये ऐसे करके जा रहा है, भाई एक बात बताओ, जब तुम ए से बी तक का एक्सेलरेशन वाला कैलकुलेशन करोगे तो उसके लिए कहीं ना कहीं तुम्हें पॉइंट ए पे कितनी वेलोसिटी है ये पता होनी चाहिए, और पॉइंट ए पे जो वेलोसिटी होगी वही ए से बी तक के लिए क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी होगी। तो पॉइंट ए की वेलोसिटी हम कैसे निकालें, तो जवाब है कि हम ओ से ए तक के लिए, फिर से कैलकुलेशन ओ से ए तक के लिए चल रही, हम ओ से ए तक के लिए एक फॉर्मूला लगा दें, क्या वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। क्यों भाई क्यों लगा दें, क्योंकि हमको क्या निकालना है, वी एट पॉइंट ए, फाइनल वेलोसिटी एट पॉइंट ए, और ये कैलकुलेशन हम कहां से कहां तक के लिए कर रहे हैं, ओ से ए तक के लिए। तो वी एट ए इज इक्वल्स टू, जब तुम ओ से ए तक की बात कर ही रहे हो तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी लोगे फिर से, जीरो, और अभी अभी तुमने ये एक्सेलरेशन ए निकाला था ओ से ए तक का, कितना आया था बताओ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इस ए की जगह ये ओ से ए तक का एक्सेलरेशन है, और टाइम भी ओ से ए तक का रखेंगे, तो वेलोसिटी एट पॉइंट ए कितनी आ जाएगी, एक्सेलरेशन ओ से ए तक का कितना आया था 10, तो यहाँ हमने 10 रखा, इनटू टाइम ओ से ए तक का कितना है 2 सेकंड, ठीक है। तो ये वेलोसिटी एट पॉइंट ए इज इक्वल्स टू व्हाट, 20 मीटर पर सेकंड। कोई डाउट है बताइए। अब देखिए ब्लू मार्कर से मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ किसके लिए, अब मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं हाँ, अब हम हेडिंग लगाएंगे क्या, कैलकुलेशन फॉर व्हाट, कैलकुलेशन फ्रॉम, मुझे फ्रॉम करना चाहिए था, फॉर नहीं, फ्रॉम पॉइंट ओ टू ए, कैलकुलेशन फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। अब हम ए से बी तक के लिए कैलकुलेशन करते हैं, ठीक। तो यहाँ पर अगर हम डिस्टेंस रखें तो डिस्टेंस ए से बी तक की रखनी पड़ेगी, इज इक्वल्स टू यू इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, करेक्ट। अब एक बार बताइए डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक का डिस्टेंस कितना है 160 मीटर्स, तो यहाँ हमने रखा 160 मीटर्स इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दें ये इनिशियल वेलोसिटी है कौन सी जर्नी में, ए से बी तक के लिए, और ए से बी तक के लिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी रखोगे बताओ, हाँ जो ओ से ए तक की क्या थी फाइनल वेलोसिटी थी, यानी कि ये रखोगे 20, तो 20 रखा इनटू, अब ध्यान दें ए से बी तक का टाइम कितना है 4, तो यहाँ टी की जगह क्या रखोगे 4 प्लस हाफ इनटू ए, सुनो ए नहीं रख देना पुराना वाला, ना 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 ना, ए हम निकालेंगे, क्योंकि हमने आपको बताया था ना पूरी जर्नी में ए क्या होना चाहिए, कॉन्स्टेंट होना चाहिए, तभी आप ओ से सी तक के लिए क्या लगा सकते हो, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है।
चेक करेंगे एक्सलेशन सेम है कि नहीं है। तो ये एक्सलेशन है, इस बार ए की जगह हमने ए रखा, कहाँ से कहाँ तक का, ए से बी तक का, और ए से बी तक का टाइम कितना है बताइए, 4। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। टी की जगह मैं 4 रखूंगा ना, और यहाँ टी का स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 4 × 4 यानी कि 16, करेक्ट। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे इसको हम लोग, 2 × 1 = 2, 8 = 2, तो ये हो जाएगा आपके पास 160 = 2। 20 × 4 कितना होता है बताइए, 80 होता है, और प्लस क्या बचा बताइए, 8 × 1 = 8, और साथ में क्या बचा, एक्सलेशन फ्रॉम ए टू बी। अब ये सॉल्व करना आता है, ये 80 कैसा है इधर, इसके आगे कोई साइन नहीं तो पॉजिटिव है, ये लेफ्ट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ध्यान से चेक करिए, यहाँ से आ जाएगा आपके पास दिस इम्प्लाइज, ये दिस इम्प्लाइज दैट का साइन है, मतलब इस स्टेटमेंट को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इस मैथमेटिकल स्टेटमेंट को हम ऐसा भी लिख सकते हैं। तो 160 - 80 = 2, हाँ भाई कितना हो जाएगा, क्या बचा यहाँ 8, और 8 के आगे क्या है पॉजिटिव, तो वो हम ऐसे ही लगा रहने देंगे, इनटू एक्सलेशन फ्रॉम ए टू बी। अब 160 - 80 कितना होता है, 80 होता है, तो 80 = 8 × एक्सलेशन फ्रॉम ए टू बी। अब इस ये 8 यहाँ मल्टीप्लाई में, चाहे यहाँ डिवाइड में भेज दो, चाहे क्या करो बोथ साइड 8 से डिवाइड कर दो, तो डिवाइडिंग बाय 8 बोथ साइड, 8 से राइट में, 8 से लेफ्ट में डिवाइड किया, 8 से 8 कटा, यहाँ 8 × 1 = 8, 10 = 10, तो एक्सलेशन आ गया आपका फ्रॉम ए टू बी, कितना आ गया बताइए, 10 m/s². बात समझ में आई कि नहीं आई बताइए, आ गई। तो इसका मतलब एक्सलेशन इज कॉन्स्टेंट फ्रॉम पॉइंट ओ टू बी, है कि नहीं कॉन्स्टेंट बताइए। तो हम लास्ट में क्या लिखेंगे, एक्सलेशन इज सेम फ्रॉम पॉइंट ओ टू बी, ओ से बी तक एक्सलेशन क्या है, सेम है। अब देखो बच्चे बोलेंगे सी तक तो नहीं सेम है, अभी बात बताओ जब बी तक सेम है और आगे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो आप ये मान के चल लीजिए ना कि अब वो इसी एक्सलेशन से चलता चला जा रहा है, दो बार तो निकाल लिया, इस सेक्शन में भी निकाल लिया, इस सेक्शन में भी निकाल लिया, और बी से सी तक की कोई इन्फॉर्मेशन हमको नहीं दी है। अरे सी पॉइंट तो हमने अपने मन से सोचा है ना, सोचो ना कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है कितने एक्सलेशन से, 10 m/s² से, इसका क्या मतलब है, उसकी वेलोसिटी किस हिसाब से बढ़ रही है, 10 m/s के हिसाब से, यानी कि हर सेकंड उसकी वेलोसिटी कितनी बढ़ रही है, 10 m/s, तो वो ऐसे करके जा रहा है, जैसे ही वो बी को क्रॉस करके 7th सेकंड पे सी पे पहुंचेगा तब भी तो उसका एक्सलेशन कितना रहेगा, इतना ही रहेगा, 10 m/s², सही है ना, तो बस लगा दो। अब उन्होंने क्या पूछा था कि 7th सेकंड पे वेलोसिटी कितनी होगी, और हमने डायग्राम में आपको दिखाया है कि 7th सेकंड पे ऑब्जेक्ट लगभग कहां होगा, पॉइंट सी पे होगा, सही है ना। तो वेलोसिटी एट पॉइंट सी यानी कि वेलोसिटी एट 7th सेकंड इज गिवन बाय, फॉर्मूला लगा लेते हैं, कहां पे करें, यहां पे करते हैं, ये थोड़ी सी जगह है हमारे पास, आप लोग एडजस्ट करिएगा प्लीज, ठीक है। तो वेलोसिटी आफ्टर 7 सेकंड इज गिवन बाय, हाँ बताइए फॉर्मूला क्या लगाएं, v = u + at, करेक्ट। अब v कौन सा v, पॉइंट सी वाला, तो vc लिख दिया इसको हमने, यही तो निकालना है। और हाँ एक बात बताओ, अब तो तुम पूरी जर्नी में निकाल रहे हो ना, o से लेके c तक, क्योंकि पूरी जर्नी में एक्सलेशन क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो हम आराम से v = u + at लगा सकते हैं, ठीक है। तो लगाइए, u की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए, 0, क्योंकि पॉइंट o से चला है ना भाई, यहीं पे तो 0 सेकंड है, 0 से लेके 7 सेकंड के लिए तुम कर रहे हो कैलकुलेशन, ठीक है ना। तो u की वैल्यू तुमने कितनी डाल दी, 0। तो ये पोर्शन तो खत्म हो गया आपका। अब a एक्सलेशन है, अभी तो तुमने निकाला, दो बार तो निकाल चुके हो, सेम तो आया, कितना आया एक्सलेशन 10। तो a की जगह तुम क्या रखोगे बताओ, 10 × t, टाइम बताओ कितना रखेंगे, 7 सेकंड, नहीं समझ में आया बात, है ना, टाइम कितना है, 7 सेकंड है, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या रख दिया, 7, तो कितना आ गया हमारा आंसर, 70 m/s, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, तो हमारा आंसर क्या है, 70 m/s। कोई डाउट है बताइए, तो वेलोसिटी आफ्टर 7 सेकंड इज व्हाट, 70 m/s। तो ये आ गया हमारा, कर लो। तो देखिए यहाँ पे कन्फ्यूज़न आ रही, थोड़ी सी बच्चे पूछ रहे हैं कि ये जो आपने इक्वेशन लगाई v = u + at, ये आपने ओ से सी तक के लिए पूरी लगाई है, हाँ भाई ओ से सी तक के लिए लगाई है। तो बच्चे कह रहे हैं सर बी से लेके सी तक आपने मान लिया एक्सलेशन क्या 10 ही रहेगा, हाँ क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, तो हम ये मान के चलेंगे कि हाँ भाई बी से सी तक का भी एक्सलेशन कितना है 10, क्योंकि आप खुद दिमाग लगाओ ना भाई, 0 से लेके 6 सेकंड तक का इन्फॉर्मेशन तो उसने दे रखा था पार्ट वाइज, मतलब 2 सेकंड का दे रखा था, फिर 4 सेकंड का दे रखा था, ठीक है। तो 2 सेकंड में मैंने शुरू के 2 सेकंड में एक्सलेशन निकाला 10 आया, नेक्स्ट 4 सेकंड में एक्सलेशन निकाला 10 आया, तो इसका मतलब एक्सलेशन क्या है, सेम है, मतलब जो एक्सलेशन है वो 10 m/s² ही है। तो
नेक्स्ट जो टाइम आने वाला है, नेक्स्ट जो एक सेकंड अभी आएगा, क्योंकि 6 सेकंड तो हो ही चुके हैं, तो नेक्स्ट जब 1 सेकंड और आएगा तो हम एक्सेलरेशन कांस्टेंट मान के ही कैलकुलेशन कर लेंगे, बिकॉज हमें कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी है, तो हम अब इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है। और इस तरीके से हमने ओ से लेके सी तक, यानी कि 0 सेकंड से लेके 7 सेकंड तक के लिए टोटल कैलकुलेशन कर ली, तो कितना टाइम गुजर गया, टी इज इक्वल्स टू 7 सेकंड, इसलिए हमने टी की वैल्यू कितनी रखी, 7, और यू तो क्योंकि तुम ओ से कैलकुलेट कर रहे हो तो रेस्ट से कैलकुलेट कर रहे हो, तो रेस्ट पे तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है, 0, तो यू की वैल्यू हमने 0 डाल दी। इस तरीके से आफ्टर 7 सेकंड जो आपको वेलोसिटी वो 70 मीटर पर सेकंड मिल गई। कोई डाउट है अब? नहीं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 21 से हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो जाइए, जाते थे आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक और कमेंट सेक्शन को चेक करना ना भूलें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।